Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths work from unit 4, factorization, LCF and LCM. Book page 53, exercise 4A and question number 6. Question 1 to 5 हमने previous lectures में solve कर लिए हैं. Question 6 is, देखें अब ये statement वाले question है. आपने पहले carefully आपने इस स्टेटमेंट को सुनना है, समझना है, देन आपको समझ आएगी कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे और क्यों सॉल्व किया है. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू 2300 एंड 3500. वो कहते हैं हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 2300 ठीक है. तो हमने वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें. लीविंग, लीविंग क्या होता है, जो एंड पे छोड़े, छोड़ता है, जो 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली मीन्स होता है ऑर्डर, जो आपके पास प्रॉपर सीक्वेंस गिवन है. तो सीक्वेंस में क्या आ रहा है, 2300 32 रिमाइंडर छोड़े और 3500 56 रिमाइंडर छोड़े. ओके, एज रिमाइंडर. ठीक है, एक बार फिर सुन लें. हमने वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 2300 एंड 3500 दोनों नंबर्स को डिवाइड करें और रिमाइंडर छोड़े. रिमाइंडर क्या है, हमारे पास ऑर्डर गिवन है 2300 32 रिमाइंडर छोड़े और 3500 56 रिमाइंडर छोड़े. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. 2300 3500 दो नंबर्स हमने लिख लिए, रिमाइंडर हमें गिवन है 32 एंड 56. फर्स्ट ऑफ ऑल 2300, अब जो मैंने यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लिया है वो मैंने लिया है 84 इज एन इवन नंबर. ये नंबर इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. देखें इन दोनों नंबर्स के एंड पे जीरो है, ठीक है. सो ये नंबर इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. आपके पास और भी, मे बी आप कोई और भी नंबर, आप एज अपना एज योर चॉइस आप कोई और भी नंबर लेके इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. कोई भी जीरो एंड पे, तो जिन नंबर्स की एंडिंग जीरो और फाइव पे होती है वो 5 से डिविजिबल होते हैं. आप कोई और नंबर लेके चेक कर लें, 55 50, वो नंबर्स भी आपको हो सकता है कम्प्लीटली डिवाइड कर दें, ठीक है, और भी कोई वन नंबर. बट जो हमें रिमाइंडर के लिए कंडीशन दी गई है वो आप पे पूरी नहीं होगी, ठीक है. 84 इज अ नंबर विच कंप्लीट दिस कंडीशन, ठीक है, विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो नंबर है 84. 84 से आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो आपके पास ये रिमाइंडर आएंगे. देखें सॉल्व कर लेते हैं. 2300 को 84 से डिवाइड करेंगे, 230 देंगे, ठीक है, क्योंकि 23 इज लेस देन 84. 84 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 168. जब आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 230 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. 168 0 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे 3 था, हमने 1 कैरी ले लिया था, सो हियर 2 इज लेफ्ट. तो 2 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, 2 को 12 बनाएंगे, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6. यहाँ पे 2 था, 1 कैरी लिया था, 1 है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. व्हेन 0 इज ऑन मोस्ट लेफ्ट साइड इट हैज नो वैल्यू. अब 62 है, 62 इज लेस देन 84, सो इस नेक्स्ट 0 को भी यहाँ पे ले आएंगे, 620 है हमारे पास. तो अब 620 आप 84 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 से करें, 5 से करें, 6, देन जब आप 7 पे आएंगे, 7 पे आएगा 588. जब आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 620 से ग्रेटर हो जाएगा. देखें इसमें जस्ट 32 नंबर्स का डिफरेंस है. हमें जब एक टाइम, जब वन टाइम और करेंगे तो ये 84 मजीद इसमें ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो एडिशन की ही रेपिटेशन होती है. मीन्स उसमें 84 वन टाइम मोर प्लस होगा, ठीक है. तो 84 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 588. अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 कैरी ले लिया था, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे 6 था, 6 से 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. व्हेन 0 इज ऑन मोस्ट लेफ्ट साइड इट हैज नो वैल्यू, सो रिमाइंडर इज 32. ये नंबर इसने 23 को डिवाइड करके हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट वन 3500 से 84 को जब करेंगे, वंस अगेन 350 लेंगे,
फोर से, पहले टू से किया था 160 था, एट था, फोर से अब करेंगे 336, फाइव से करेंगे तो वो 350 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। 10 माइनस सिक्स जीरो था तो 10 बनाया, 10 माइनस सिक्स इक्वल टू फोर, यहाँ पे फाइव था, अब यहाँ पे फोर है, फोर इज लेफ्ट, फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, वन जीरो इज ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड, इट हैज नो वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे है तो इसकी इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे इस जीरो को यहाँ पे नीचे ले आएंगे क्योंकि 1484 से लेस था, अब ये 140 है, 84 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 सर 8, 8 8 सर 16, वो 140 से ग्रेटर हो जाएगा, 168 हो जाएगा, सो इसको 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 को 1 से किया, 84 राइट साइड पे लिखेंगे 84 क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई तीनों से कर रहे हैं, ठीक है। 0 माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, अब यहाँ पे 4 था, 4 से 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 1 कैरी लेंगे, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, अब यहाँ पे 1 था, 1 कैरी ले लिया था, ये सामने 0 है, 0 नहीं लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, रिमाइंडर इज 56। देखें ये 84 वो नंबर था जिसने इन नंबर्स को डिवाइड करके हमारी कंडीशन पूरी कर दी। कंडीशन क्या थी कि 2332 रिमाइंडर छोड़े और 3556। देखें 84 ने 23 से डिवाइड होकर 32 रिमाइंडर दिया और 84 ने 3500 से डिवाइड होकर 56 डिवाइड किया। सो 84 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2300 एंड 3500 लीविंग 32 एंड 56 एज रिमाइंडर। 84 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके ये दो रिमाइंडर्स इसके एज अ रिमाइंडर 32 और 56 छोड़े हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप कोई और भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं लेकिन वो नंबर इवन ही होना चाहिए या फाइव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन नंबर्स की अर्निंग जीरो पे हो रही है। लेकिन देखें हमने इन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करना, सो आप इस कंडीशन को बेशक साइड पे रख लें, टू बिना ले फाइव, कोई और भी आप नंबर ले सकते हैं, ऑड नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इनको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करना, वो हम तब लेते हैं जब कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है, हमें रिमाइंडर्स चाहिए। तो आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, आपके पास ये नंबर वो हो सकता है इनको डिवाइड कर दें, ठीक है, बहुत से ऐसे नंबर होंगे जिनको कम्प्लीटली भी डिवाइड कर दें, बट हमें रिमाइंडर चाहिए, तो यही एक नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके हमारे पास ये दो रिमाइंडर्स दे और इस क्वेश्चन की कंडीशन को पूरा करे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज अ रूम इज 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कमरा है जो 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबा है, एंड 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 91 सेंटीमीटर ब्रॉड मीन उसकी चौड़ाई है, ठीक है। द फ्लोर ऑफ द रूम, जो फ्लोर है उसका फर्श है, इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, जो उसका फर्श है उसको किस तरह से पेव्ड, उसको किस तरह से कवर किया गया है, स्क्वायर टाइल्स, उसके जो टाइल्स हैं वो स्क्वायर हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, आपने सबसे बड़ी टाइल की लेंथ फाइंड करनी है, डैट कैन बी यूज्ड, जो उस रूम में यूज हो सकती है। वो कहते हैं एक रूम है जिसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, लेंथ उसकी कितनी है 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर और 91 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं कि उसके अंदर जो टाइल्स यूज करेंगे वो स्क्वायर टाइल्स होंगी, तो हमने सबसे बड़ी जो टाइल उसमें यूज हो सकती है उस रूम में उसका साइज फाइंड करना है। लेंथ हमारे पास क्या थी 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या थी 8 मीटर इक्वल टू 91 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा करते हैं कि लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मीटर्स को एक साथ लिख के और सेंटीमीटर को एक साथ लिख के हम मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर्स में दोनों क्या हैं 12 मल्टीप्लाई 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर, और सेंटीमीटर में है 15 मल्टीप्लाई 91, तो इनको मल्टीप्लाई किया 1365 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में, हमने इनको डिवाइड करना होगा, ठीक है। ग्रेटर नंबर ये है डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा और ये नंबर डिवीजन फॉर्म के बाहर आ जाएगा, एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। 136 लेंगे,
ठीक है, 136 लेंगे क्योंकि 13 में से हम 96 को डिवाइड नहीं कर सकते, ये लेस नंबर है 96 से. 96 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 96 आ गया. अब 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, 3 को 13 बनाएंगे, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, 1 था, 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 0 है, 0 लेफ्ट साइड पे इसको नहीं लिखेंगे. अब 40 इज लेस दैन 96, तो 5 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे, अब ये बना 405 है, तो 96 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 384. अगर आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 405 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 4 था, अब यहाँ पे 3 है क्योंकि 1 यहाँ पे कैरी ले लिया था, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 इज ऑन मोस्ट लेफ्ट साइड, इट हैज़ नो वैल्यू. अब 1 इज लेस देन 21 इज लेस देन 96, सो हमने वही डिवीजन मेथड का रूल फॉलो करते हुए 96 को डिवीजन फॉर्म के यहाँ पे अंदर लाना है और 21 को एज अ डिवाइजर ट्रीट करना है. ठीक है, 21 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 84 देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं 96 और 84 में इट्स अ स्मॉल डिफरेंस. अगर आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 21 एक टाइम और ऐड होगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा 96 से. 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 12 इज लेस देन 21, 21 को डिवीजन फॉर्म के अंदर ले आएंगे और 12 एज अ डिवाइजर, 12 वन जब 12 क्योंकि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22 आ जाएगा, जो 21 से ग्रेटर हो जाएगा. 1 माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल, 11 बनाएंगे, 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे अब 1 है क्योंकि 1 कैरी ले लिया था, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज ऑन मोस्ट लेफ्ट साइड, इट हैज नो वैल्यू. 12 को हम डिवीजन फॉर्म के अंदर रखेंगे और 9 एज अ डिवाइजर क्योंकि 12 ग्रेटर नंबर था और 9 इससे लेस. 9 ones are 9, 12 minus 9 is equal to 3, अब 9 is greater than 3, 9 डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा और 3 यहाँ पे बैठ, 3 threes are 9. अब 3 वो नंबर है जो 9 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, हमने इनको 1 by 1 डिवाइड किया है, तो हमारे पास लास्ट वन जो नंबर आया है वो है 3. इट मीन्स जो सबसे ग्रेटेस्ट उसमें जो स्केयर टाइल्स यूज हो सकती है, देखिए उन्होंने एक टाइल नहीं बहुत सी टाइल्स यूज करनी है, लेकिन सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट टाइल वो यूज करना चाहते हैं वो यूज हो सकती है उस रूम में, उसकी लेंथ कितनी होगी 3. आपने यहाँ पे आंसर लिखना है लेंथ ऑफ टाइल 3 सेंटीमीटर, 3 जस्ट 3 लिखना है क्योंकि हमने मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया था. ठीक है, लेंथ ऑफ टाइल इक्वल टू 3. ओके, आपने लिखना है लेंथ ऑफ टाइल इक्वल टू 3 एंड 3 इज आंसर, ये आपने मस्ट लिखना है, यहाँ पे 3 हमारा आंसर है. आपने ये क्वेश्चन देखा, इसकी ये हमारे पास लेंथ गिवन थी, ये ब्रेथ गिवन थी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ और ब्रेथ को मीटर और सेंटीमीटर्स को आपस में और सेंटीमीटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, दो नंबर्स हमारे पास आए, उनको हमने डिवाइड कर दिया, जो ग्रेटर नंबर था हमने उसको डिवीजन फॉर्म के अंदर रखा और जो स्मॉल नंबर था उसको डिवीजन फॉर्म के बाहर रख दिया, और डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और 3 ने कम्प्लीटली जो एंडिंग थी डिवीजन एंड की, सो लेंथ ऑफ टाइल इक्वल टू 3. सॉरी, यहाँ पे 3 इसका आंसर नहीं है, बाय मिस्टेक वो आपको यहाँ पे देखें, 3 हमारे पास 3 नंबर्स, ये 3 वो नंबर है जिसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया, तो हमने उन्होंने बताया था कि जो टाइल्स उन्होंने यूज करनी है वो स्क्वायर टाइल्स होंगी. ठीक है, अब स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 4 by 4 को हम कहते हैं स्केयर, और स्केयर वो एक बॉक्स होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उन्होंने स्केयर टाइल यूज करनी है, इट मींस ऐसी टाइल होगी जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी. हमारे पास ये जो आई है लेंथ, ये एक इसकी आई है, ठीक है, एक साइड की, तो हम अगर 3 की पावर 4 लिखें क्योंकि हमने स्केयर टाइल है ना, स्केयर टाइल है, इसकी 4 साइड्स होंगी, स्केयर की 4 साइड्स होती हैं, ये 4 by 4 की होती है और इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो 3 की पावर 4, जब आप 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो 3 multiply 3, ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 आपके पास आंसर आएगा. ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 multiply 3 को आपने 4 टाइम्स लिखना है, 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, जब आप उनको 3 threes are 9, 9 threes are 27 और 27 को जब मजीद आप 3 से करेंगे तो आंसर आएगा 81. सो 81 इज द आंसर. आपके पास आंसर क्या है, 81. 3 इज नॉट आंसर, वो बाय मिस्टेक आपको कहा गया था, ये जो आपके पास है 3
हमने 3 को 4 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई किया, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर टाइल्स, वो जो टाइल्स यूज़ कर रहे थे वो स्क्वायर टाइल्स थी, और उस टाइल की जो हमारे पास स्क्वायर की 4x4 साइड्स होती हैं और वो चारों इक्वल होती हैं। हमारे पास 3 आया था, 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 81 इज द आंसर। आपने ये लिखना है 3 की पावर 4, फिर आपने इक्वल में लिखना है 3 को 4 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 81, फिर आपने नेक्स्ट टाइम पे लिखना है 81 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज फाइंड टू नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150। 100 से 100 और 150 के बिटवीन मींस इनके दरमियान हमने दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 हो। ठीक है, देखें 100 से नंबर ग्रेटर होना चाहिए और 150 से लेस होना चाहिए। ठीक है, लेट द नंबर, मैंने दो नंबर जो लिए हैं सपोज के हैं वो कौन से हैं, लेट द नंबर बिटवीन 100 एंड 150 आर 120 एंड 144। ठीक है, ये मैंने दो नंबर्स लिए हैं, दोनों इवन नंबर हैं। ठीक है, दो नंबर्स लिए, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने 24 रखना है, आना चाहिए। 120 का हम वैसे ही एचसीएफ फाइंड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, एंड पे जीरो है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, क्योंकि 1 से नहीं होगा, 12 को करेंगे, अगर 2 6 12 जीरो एज इट इज आ जाएगा, मींस आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें 120 कंप्लीट आता है। एंड पे फिर से जीरो है तो 2 से होगा, 2 3 6 जीरो एज इट इज आ जाएगा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें कंप्लीट 60। एंड पे जीरो है, 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर, और इसके साथ जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो 10, 2 5s are 10, अब इसके एंड पे 5 है। ठीक है, तो ये इवन नंबर नहीं है, ऑड है, 3 से ट्राई करेंगे, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। देखें 5 की एक आपने एक माइंड आपने ये बात याद रखनी है, 5 से तो ये तो आपको पता है कि जिन नंबर्स की एंडिंग 0 2 4 6 और 8 पे होगी वो 2 से डिविजिबल होंगे, जिन नंबर्स की एंडिंग 0 और 5 पे होगी वो नंबर 5 से डिविजिबल होंगे, 0 और 5 से जिनकी एंडिंग होगी वो 5 से हर हाल में डिविजिबल होंगे, जिन नंबर्स की एंडिंग 10 से होगी, सॉरी 0 पे होगी, जस्ट 0 की बात हो रही है, तो वो 10 से डिविजिबल होंगे हर हाल में। 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, ये जो एक नंबर होता है इन नंबर्स में जितने भी डिजिट होते हैं आप उनको प्लस करें, वो जो आंसर आएगा अगर वो नंबर हो डिविजिबल 3 से, तो फिर हमारे पास जो एक्चुअल नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखें यहाँ पे 15 है, अगर इसमें दो डिजिट्स हैं इसको प्लस करें, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, 6 से 3 डिविजिबल है, इट मींस के ये जो ओरिजिनल नंबर है 15 इससे भी 3 डिविजिबल होगा, आप इस तरह 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 144 एंडिंग 4 पे हो रही है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 7s are 14, 2 2s are 4 एंडिंग 2 पे हो रही है, 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर इसके साथ लेफ्ट साइड पे आएगा, 2 6s are 12 एंडिंग 6 पे हो रही है, 2 से डिविजिबल, 2 1s are 2 रिमाइंडर जो है 1 वो इसके साथ लेफ्ट साइड पे आएगा, 2 8s are 16, 2 1s are 2 सॉरी 2 9s are 18 कम्प्लीटली, और 9 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। आप फैक्टर्स ऑफ 122 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फैक्टर्स ऑफ 144 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। आप देखें इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 3 टाइम्स है, इसमें 2 4 टाइम्स है, तो इट मीन्स हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि इसमें 2 की पावर 4 है और इसमें 2 की पावर 3 है, तो इसमें 2 की पावर 3 है ना जिसमें 2 की पावर 4 है, बट इसमें 2 पावर 4 नहीं है, सो हम 2 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों में है, तो 2 की पावर 3 हमने कॉमन ले ली। मल्टीप्लाई, इसमें 1 टाइम 3 है, इसमें 2 टाइम 3 है, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि इसमें 3 की पावर 2 है, हम इसमें से 1 पावर ले लेंगे तो 3 सिंगल 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3 की पावर 1 इसके तो सिंगल 3 दोनों में है तो सिंगल 3 कॉमन आएगा। 2 की पावर 3 को हमने यहाँ पे ब्रेक किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, एचसीएफ क्या आया 24। हमने 100 और 150 के दरमियान ऐसे दो नंबर्स लेने थे जिनका एचसीएफ क्या आया 24, और वो हमने दो नंबर्स फाइंड कर लिए, उनका एचसीएफ मैंने आपको ये सॉल्व करके बता दिया। देखिए 24 आ गया है, मींस के जो हमने दो नंबर्स लिए थे वो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पूरा कर दिया है उन्होंने, हेंस द नंबर बिटवीन 100 एंड 150 विद एचसीएफ 24, आंसर इज 24। ये क्वेश्चन 6 एंड 7 और 8, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी स्टेटमेंट को केयरफुली सुनना है, समझना है, नोटबुक पे लिखना भी है। ओके,
और एक्सरसाइज 4A इज कम्प्लीटेड. एक्सरसाइज 4A हम कम्प्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. हमने पहले किया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो था एलसीएम. अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम. एलसीएम फाइंड करने के आपने अपने प्रीवियस 4-5 में भी एलसीएम फाइंड किया होगा. फर्दर हम उस पर काम करेंगे कि मजीद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके मेथड फाइंड करने के मुख्तलिफ मेथड्स होंगे वो कौन कौन से होंगे. रिमेंबरिंग मल्टीपल्स, मल्टीपल्स को आपने याद रखना है, मीन्स आपको टाइम टेबल्स, टेबल आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए. टेक द क्विक टेस्ट. क्विक टेस्ट का मीन होता है कि जस्ट आप नंबर को देखें और आपको पता चल जाए कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा या गिवन बिलो, टू चेक इफ़ यू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के टेबल मीन्स अगर आपको टाइम टेबल्स याद हैं तो आपने इस एक्टिविटी को अपनी बुक पे सॉल्व करना है. उन्होंने कहा है कि देखें 14 मल्टीप्लाई 3 34 मल्टीप्लाई 4, आपने ये खुद से इसको सॉल्व करना है अपनी बुक पे. टू आर मोर नंबर्स एनी हैव सेवरल कॉमन मल्टीपल्स. दो या दो से ज़्यादा नंबर जिनके पास कॉमन मल्टीपल हों, मीन्स फैक्टर्स कॉमन मल्टीपल्स हों, द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम. तो उसमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे छोटा कॉमन नंबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वो होगा एलसीएम. एलसीएम की डेफिनेशन आपने लिखनी है, आपने ऊपर लिखना है लीस्ट, यहाँ पे हेडिंग लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम. देन डेफिनेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है. टू आर मोर नंबर्स एनी हैव मे हैव सेवरल कॉमन मल्टीपल्स द स्मॉलेस्ट ऑफ देम कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम. आप यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बल्कि आपने यहाँ से ही लिखनी है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द लीस्ट कॉमन. दो या दो से ज़्यादा नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये एलसीएम की डेफिनेशन है, आपने इसके ऊपर ये हेडिंग यहाँ से लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, और डेफिनेशन आपने यहाँ से देख के लिखनी है. ओके, ये जो हाईलाइटेड है येलो कलर में. ओके, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम. प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम. एलसीएम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं. नंबर वन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ऑफ विच वन इज अ मल्टीपल. ठीक है, एलसीएम दो नंबर्स का जो एलसीएम है ऑफ विच वन जिसका इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर इज द मल्टीपल इटसेल्फ. ठीक है, एलसीएम जो दो नंबर्स का जो एलसीएम होगा विच वन जिसका एक मल्टीपल, जो उसका मल्टीपल होगा, जो मल्टीपल आएगा तो वो मल्टीपल उसके अपने नंबर का भी एलसीएम होगा. ठीक है, दो नंबर्स है ना, उनका हम एलसीएम अलग अलग फाइंड करते हैं. ठीक है, अगर हम उनको एक साथ भी फाइंड करें, उनका एलसीएम जो निकालेंगे तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें. ठीक है, जिनका एलसीएम फाइंड करें उन दोनों नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो जो उनका मल्टीपल होगा खुद वो भी इसके इक्वल होगा, एलसीएम होगा. नंबर टू, द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स. दो को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स जस्ट, जिनका जस्ट एक ही फैक्टर सेम हो सकता है, वो है वन. ओके, इसके अलावा कोई भी फैक्टर सेम होगा तो वो को प्राइम नहीं होंगे. द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, जो दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम होता है वो दो, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, मीन्स उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है. एग्जाम्पल एट, एग्जाम्पल जो एलसीएम के लिए है वो है फाइंड द एलसीएम ऑफ थ्री एंड फोर. द मल्टीपल्स ऑफ थ्री आर 3, 6, 9, 12, ये थ्री के मल्टीपल्स हैं. ओके, और द मल्टीपल्स ऑफ फोर, फोर के मल्टीपल्स क्या हैं, 4, 8, 12, 16, 20, ये कॉमन मल्टीपल मेथड है. ये इसका, ये अगर आपको कोई कहे कि फाइंड द एलसीएम कॉमन बाय कॉमन मल्टीपल मेथड तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे. उस नंबर के तमाम मल्टीपल लिखेंगे, फिर जो भी आपको गिवन होंगे उसमें से निकाल. देखें द मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फोर हमने लिखे सारे. अब देखें इसमें से हमने कॉमन ढूंढना है. ठीक है, कॉमन मल्टीपल इनमें से कौन सा है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है. ठीक है, इसमें 24 आ रहा है, इसमें भी 24 आ रहा है. ठीक है, तो एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इनका, 24 जो है वो दोनों में कॉमन है, 12 भी कॉमन है, बट इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 12. सो इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, हमने स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, वो कौन सा होगा, 12. ठीक है, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन 6, 7, 8 और एलसीएम के प्रॉपर्टीज़ की हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीएम को फाइंड करने के मेथड पढ़ेंगे. ठीक है, और ये जानेंगे कि एलसीएम को फाइंड करने के कितने मेथड हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.